सर, इस वक्त जो बड़ी जानकारी आ रही है कि बिहार के चूंकि 14 सीटों के ही अनुमानित संख्या है, लेकिन अब 40 सीटों का अनुमान सामने आ गया है और बीजेपी को 40 सीटों की, हम 14 सीटों में पहले बात कर लेते हैं। और यहां पर अब देखिए आंकड़े अपडेट हो गए, एनडीए को 31 से 34 सीटें जो हैं वो एनडीए के पास जा रही हैं, लेकिन इस अनुमान के अनुसार तो सर कुछ सीटें घसक रही हैं। अगर 31 से 34 हम देखें तो मेरे ख्याल से देखिए लास्ट टाइम बिहार में जो है कंप्लीट डोमिनेंस था, 40 में से 39 सीटें जो है वह एनडीए के खाते में गई थी और उस समय था जबकि नीतीश कुमार और जो है बीजेपी साथ मिलकर वहां सरकार चला रहे थे। उसके बाद से आप ध्यान रखिए कि नीतीश कुमार फिर जो है आरजेडी के साथ मिल गए, आरजेडी के साथ उन्होंने सरकार चलाई और इस बार जब नीतीश कुमार जब वापस बीजेपी के पास आए और फिर से मिलजुल कर वहाँ सरकार चला रहे हैं, एक चीज़ जो बहुत अहम है आप ध्यान रखिए कि नीतीश कुमार की सेहत को लेकर चूँकि बहुत अच्छी नहीं है, सबको दिखाई दे रहा है और इसलिए वो शायद बहुत जमकर कैंपेन नहीं कर पाए और इसका असर जो है वहाँ पर खासतौर पे जेडीयू जिन सीटों पर लड़ रही है वहाँ पर उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ये आशंका हर कोई जता रहा था, अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे एक्चुअल रिजल्ट में कन्वर्ट होंगे तो ये मान लीजिए कि जेडीयू को का जो नुकसान होगा वो एनडीए की ओवरऑल टैली पर असर करेगा। बिल्कुल, यानी कि जो सीटें अगर एनडीए लूज भी करता है तो वो सीटें जेडीयू की सीटें होंगी और इस वजह से उसके पीछे का एक बड़ा फैक्टर जो होगा वो नीतीश कुमार का बहुत एग्रेसिव होकर कैंपेन। अब देखिए इस बार के चुनाव जो है उनकी जो कैंपेनिंग थी उतनी एग्रेसिव थी नहीं, जिस अपनी शार्प स्टाइल के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं वो इस बार दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए आशंका जताई जा रही थी कि शायद जेडीयू जिन सीटों पर लड़ रही है वहां पर कुछ सीटें जो है वो लूज कर सकती है और इसकी वजह से ओवरऑल जो एनडीए की टैली है वो थोड़ी नीचे आ सकती है। थोड़ा ये भी फैक्टर कहीं इसमें तो नहीं जुड़ जाता है सर कि भाई नीतीश कुमार किधर होंगे, क्योंकि जब पब्लिक के बीच जाते तो पब्लिक के करीब हम कंफ्यूज हो गए, कार्यकर्ता कहते हैं हम कंफ्यूज हो गए क्या पता इधर या कब उधर, ये वाली स्थिति तो नहीं थी। देखिए राजनीति जो है अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पर कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता। मुझे लगता है कि जिन नीतीश कुमार का आपने एग्जाम्पल दिया उससे भी ये प्रूफ होता है कि अलाइनमेंट कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, तो मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन रहा होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे लगता है कि नीतीश कुमार शायद उस एग्रेशन के साथ इस बार कैंपेन नहीं कर पाए जिस एग्रेशन के लिए वो जाने जाते हैं और मुझे लगता है कि शायद ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। सर देखिए एक और स्टेट, बिहार का पड़ोसी राज्य